हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू चैनल तो पिछली वीडियो में मैंने आपको इसकी कटिंग दिखाई थी अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो देख सकते हो इस वीडियो में आपको स्टिचिंग दिखा रही हूँ तो अस्तर वाले पार्ट में हमने मेन फैब्रिक को रख दिया है और मेन फैब्रिक का जो सीधा साइड है वो हमने अंदर की तरफ रखा है और उल्टा साइड अपनी तरफ रखा है यानी ऊपर की तरफ और जितना हमने मार्जिन लिया था उतनी ही मार्जिन लिखे हम स्टिचिंग कर लेंगे कम ज़्यादा स्टिचिंग नहीं लेना है वरना ब्लाउज की लेंथ में काफ़ी फ़र्क पड़ जाएगा उसके बाद हम आम होल में भी स्टिचिंग लगाएंगे और आम होल में स्टिचिंग लगाने के बाद साथ में हम नेक में भी स्टिचिंग लगा लेंगे इससे हमारी फिनिशिंग एक बार में बन जाएगी उरेब पट्टी वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी तो एक साइड का आम होल में स्टिचिंग लगने के बाद हम दूसरी साइड की आम होल में भी स्टिचिंग लगा लेंगे और साथ में नेक की भी स्टिचिंग लगा लेंगे तो नेक में भी हमारी स्टिचिंग हो चुकी है अभी जो भी एक्स्ट्रा फ़ैब्रिक है उसको हम कट कर लेंगे तो यहाँ पे मैंने एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लिया हुआ है अभी हम आम होल के राउंड में और नेक के राउंड में कट लगाएंगे ताकि ब्लाउज की जो फिनिशिंग है राउंड में वो अच्छे से आए तो इस साइड हमारा खुला है तो इस साइड से हाथ अंदर की तरफ घुसा के दूसरी साइड का जो फैब्रिक है वो हम दु... अपने तरफ से निकाल लेंगे यानी जिस साइड से हमने हाथ घुसाया था उस साइड से और ये हमारा जो ब्लाउज है वो पलट जाएगा और इसके बाद हम इसमें प्रेस भी लगा लेंगे ताकि फिनिशिंग अच्छी आए तो देख सकते हैं मैंने प्रेस लगा ली है अब ये हो चुका है अभी हम यहाँ पे नेक में दाप स्टिचिंग लगाएंगे साथ में आम होल में भी दाप स्टिचिंग लगाएंगे और नीचे की तरफ भी हम दाप स्टिचिंग लगा लेंगे तो नेक की दाप स्टिचिंग हो चुकी है अभी हम आम होल में भी लगा लेंगे दाप स्टिचिंग तो दाब स्टिचिंग हमने लगा ली है अभी हम ब्लाउज को उल्टा करेंगे और डाट के लिए निशान लगाएंगे तो सबसे पहले हम सेंटर में निशान लगा देंगे सेंटर से हम चार इंच की दूरी पे एक निशान लगाएंगे और साढ़े पाँच इंच की ऊंचाई तक ये हमारी डाट की लेंथ होगी अगर आपके ब्लाउज का गला बड़ा है तो आप जो डाट की लेंथ है वो भी ज़्यादा रखेंगे इससे ब्लाउज़ के जो रिंकल से पीछे आने की प्रॉब्लम वो दूर हो जाती है या बहुत कम आती है तो स्टिचिंग को हम डबल कर लेंगे सेम इसी प्रोसेस से हम दूसरी साइड की डार्ट को भी स्टिचिंग कर लेंगे तो दोनों साइड के डाँट मैंने लगा ली है और सेम इसी प्रोसेस से हम फ्रंट साइड का ब्लाउज़ को भी रेडी कर लेंगे उसके बाद आगे की स्टिचिंग करेंगे तो आप लोग देख सकते हो सेम उसी प्रोसेस से मैंने ब्लाउज को रेडी कर लिया है फ्रंट साइड का भी अभी हम यहाँ पे सेंटर से हाफ हाफ इंच की दूरी पे मैंने निशान लगाया है ये हुक और आई पट्टी में जाएगा इसके बाद से हम अपने प्रिंसेस कट के लिए निशान लगाएंगे तो पौने चार इंच की दूरी से मैं निशान लगा रही हूँ और यहाँ पे मैंने साढ़े नौ इंच डाट जो बस्ट पॉइंट है उसमें निशान लगाया है हाफ इंच ऊपर की तरफ़ छोड़ दिया है जो नहीं दिख रहा है अगर आपने कटिंग नहीं दिखी है आप वो देखोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा इसकी स्टिचिंग भी तो आप लोग वो भी देख सकते हो निशान को हमने सीधा कर लिया है उसके बाद प्रिंसेस कट का जो हमारा पैटर्न होता है उसको हम ड्रॉ कर लेंगे दोनों साइड मैंने पौने एक एक इंच ले लिया है मार्जिन का और ऊपर की तरफ़ से सिर्फ हाफ इंच हमारा स्टिचिंग जाएगा तो उसके लिए भी मैंने सन लगा लिया है इस तरह से आपको पकड़ना है और सिंगल डार्ट सबसे पहले हम लगाएंगे तो सिंगल डार्ट हमने लगा ली है अभी हम दूसरी जो स्टिचिंग है वो आम होल की तरफ से शुरू करेंगे इससे फिनिशिंग अच्छी आती है जो रिंकल्स वगैरह होते हैं वो भी कम पड़ता है या नहीं पड़ता है अगर आप स्टिचिंग अच्छे से कर लेते हो तो तो इस तरह से आपको स्टिचिंग करना है जैसा आप वीडियो में देख पा रहे हो और इस स्टिचिंग को आपको कहीं भी रोकना नहीं है सीधा आपको नीचे ख़त्म करना है इस स्टिचिंग को बीच में आपको ख़त्म नहीं करना है दूसरी साइड का भी सेम उसी तरह से पकड़ेंगे सबसे पहले डाट लगाएंगे सिंगल डाट उसके बाद आर्म होल की तरफ से स्टिचिंग शुरू करेंगे जो हमारा नीचे जाके ख़त्म होगा तो इस तरह से आपको प्रिंसेस कट वन टक्स ब्लाउज़ की स्टिचिंग करनी है आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आ रहा होगा पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा तो अभी हमारी प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग हो चुकी है अभी हम हुक और आई की पट्टी लगाएंगे। तो उसके लिए ब्लाउज को सबसे पहले हमें सेंटर से फोल्ड करना है उसके बाद यहाँ पे कट लगा लेनी है तो हुक की पट्टी के लिए मैंने अस्तरले पार्ट को ही डबल कर लिया है और यहाँ पे स्टिचिंग भी लगा ली है अब इसको इस तरह से सीधा करके यहाँ पे नेक की तरफ से फोल्ड करेंगे अंदर की तरफ फैब्रिक जो भी एक्स्ट्रा है उसको और दाब स्टिचिंग लगा लेंगे और नीचे का जो फैब्रिक है एक्स्ट्रा उसको भी हम अंदर की तरफ फोल्ड कर लेंगे तो ये स्टिचिंग हो चुकी है अभी जो है आ, इसको हम अंदर की तरफ फोल्ड करेंगे हुक की पट्टी को और यहाँ पर भी हम स्टिचिंग लगा लेंगे तो स्टिचिंग लग चुकी है अभी हम आई की पट्टी बनाएंगे तो उसके लिए आपको मैन फैब्रिक और अस्तर दोनों की ज़रूरत पड़ती है तो इसको हम लेके जितना हमने मार्जिन लिया था उतना मार्जिन लेके स्टिच कर लेंगे तो स्टिचिंग हो चुकी है अभी हम दाब स्टिचिंग भी लगा लेंगे और ब्लाउज़ को उल्टा करके जो फैब्रिक है उसको नेक की तरफ का जो इस तरह फोल्ड कर लेंगे और जो हाफ इंच हम फोल्ड करेंगे उसके बाद एक इंच हम फोल्ड करके स्टिचिंग लगा लेंगे तो इस तरह से हमारी जो आई की पट्टी है वो भी रेडी हो जाती है तो ये रेडी हो चुकी है हुक और आई की पट्टी अभी हम सोल्डर जोड़ लेंगे तो दोनों साइड का शोल्डर हम सेम प्रोसेस से जोड़ेंगे तो शोल्डर जोड़ने के बाद हम फिटिंग की सिलाई लगाएंगे यहाँ से भी आप इस तरह से मेज़र करके देख सकते हो आठ इंच पे या आप ऐसे भी कर सकते हो कि डेढ़ इंच हमने मार्जिन लिया था तो डेढ़ डेढ़ इंच पे निशान लगा के लाइन को सीधा करके हम यहाँ पे फिटिंग सिलाई लगा लेंगे तो मैंने फिटिंग की सिलाई दोनों साइड की सेम प्रोसेस से लगा ली है अभी हमारा ब्लाउज़ कम्प्लीट हो चुका है इसका फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ तो ये जो ब्लाउज है पीछे से कुछ इस तरह से लग रहा है आप लोग देख सकते हैं बहुत ही सुंदर लग रहा है हमने कुछ भी एक्स्ट्रा चीज़ें पाइपिंग वगैरह यूज़ नहीं की है फिर भी इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी आई है और ये फ्रंट साइड से है तो फ्रेंड्स ये सिंपल सा स्लीवलेस प्रिंसेस कट ब्लाउज़ की स्टिचिंग आपको कैसे लगे